हेलो वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में आपको मालूम है हम बाबरी केस पे एक सीरीज़ कर रहे हैं। हियरिंग अब 18 अक्टूबर को क्लोज़ हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और 17 नवंबर तक इसका जजमेंट आएगा। अगर अभी तक आपने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और बेहतर होगा अगर आप आज से देख रहे हैं कि आप पिछले 3 एपिसोड भी देख लें। अब तक की जो स्टोरी हमने बताई है वो ये है कि 6 डिफरेंट प्रोसीडिंग्स चली हैं, कुछ मुसलमानों और हिंदुओं में, कुछ मुसलमानों में आपस में। और इसकी पूरी डिस्प्यूट की नेचर ये रही है कि ये एक सिविल डिस्प्यूट की तरह रहा है और इसमें लॉ के बेसिस पे फैसले किए गए हैं। फेथ को ज़रा इरेलीवेंट माना गया है, गो के बाद में एक आध जगह कहीं फेथ को रिकॉर्ड कर दिया गया, लेकिन अभी तक बात कहीं ये नहीं आई कि रामचंद्र जी का जन्म जो है वो सेंट्रल डोम के नीचे हुआ और उस पे हिंदूस को प्रे करने का राइट होना चाहिए। कुछ कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्टेटस को से ज़रा आगे बात बढ़ गई 48 के आते आते और हिंदूस को एक मेजर स्टेक होल्डर इस केस में माना जाने लगा। कुछ ये भी कुछ अंदाज़ा लगने लगा जो मैंने लास्ट में आपको 3rd एपिसोड में बताया था कि किस तरीके के कम्युनिकेशन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कर रही थी। गोविंद बल्लभ पंत जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, अगर आप उनकी कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स में इंटरवेंशंस पढ़ेंगे उर्दू पर या और इश्यूज पे, को आपको एहसास होगा कि आजकल जो हिंदू राइट है वो उससे 2-4 कदम आगे थे। और उनके बेटे जो राजीव गांधी के भी मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब आप ये देखिए कि ये जो आज वाकया होने वाला है ये एक मेजर स्टोरी का पड़ाव है कि 22-23 दिसंबर में अचानक जो है मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे मूर्तियां रख दी जाएंगी। और आपको मालूम है कि 23 दिसंबर जो है ये फ्राइडे का दिन है। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अब फ्राइडे और फज्र की प्रेयर जो थी, मॉर्निंग प्रेयर, वो मस्जिद में होती थी। अभी तक क्रिमिनैलिटी का एलिमेंट इस केस में नहीं आ रहा है। हम लॉ में डिवाइड करते हैं सिविल डिस्प्यूट और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को, अलग तरह से देखते हैं और ये एक सिविल डिस्प्यूट की तरह है। और सिविल डिस्प्यूट्स का एक और प्रिंसिपल है जो सेक्शन 11 है सीपीसी का, जिसको कहते हैं रेस जुडिकेटा। प्रिंसिपल ये है कि अगर एक बार सिविल कोर्ट ने किसी केस को फाइनली सेटल कर दिया तो वो केस बार बार रीओपन नहीं होगा, और अगर वो सेम पार्टीज हैं या सब्सटेंशली सेम इशू है तो उसको ओपन करने का इजाज़त बार बार नहीं दी जाती। अब इस केस में आप देखिए कि ओरिजिनल सिविल सूट जो है वो 24 दिसंबर 1985 में उसका जजमेंट आ रहा है। पहली अपील जो है वो डिसमिस हो रही है 18 मार्च 1986 को। सेकेंड सिविल अपील जो है वो डिसमिस हो रही है 1 नवंबर 1986 को। तो एज सिविल लॉ स्टैंड्स ये केस रीओपन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये रीओपन हुआ। और आपने देखा कि उसमें किस तरीके से, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ज़रा सा गोल पोस्ट भी शिफ्ट हो गई कि अब चबूतरे से अटेंशन बाबरी मस्जिद की तरफ आ रहा है। देखिए, मैंने लास्ट एपिसोड में जिक्र किया था सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई एक डिसेंट और विशाल टेम्पल राम चबूतरे पर बन जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हिंदू उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अब आप आगे इस आज के एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह एग्जीक्यूटिव जो है वो और ज़्यादा इसमें रोल अदा करने लगी है। और जो आजकल हो रहा है मॉब लिंचिंग का, जिसमें जो लोग लिंच होते हैं उनके फैमिली वालों के खिलाफ केसेस हो जाते हैं, यही कुछ तरह की स्टोरी की बुनियाद जो है वो आज रखी जाने वाली है। तो कुछ इलेक्शन भी था, उस इलेक्शन में जीबी पंत साहब को लग रहा था कि कुछ सेटबैक हो जाएगा, तो उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करने की बुनियाद डाली और नरेंद्र देव जो सोशलिस्ट कैंडिडेट थे उनको हरवाया और पोलराइजेशन की शुरुआत हो गई है। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरी स्टोरी आज की है, ये स्टोरी है कि किस तरह एक मस्जिद को एक मंदिर में तब्दील किया जा रहा है। तो हिंदू महासभा जो है, जिसके ऊपर अभी बैन लगा हुआ था और कुछ दिन पहले ही बैन हटाया गया था, आपको मालूम है कि गांधी जी के असैसिनेशन के बाद बैन लग गया था आरएसएस और हिंदू महासभा पे, उन्होंने कहा कि साहब एक रामायण का पाठ होगा 24 नवंबर 1949 को राम चबूतरे पे। और पर्पस ये था इस पाठ का कि इस पाठ के जरिए जो
हवन होगा, उस हवन की वजह से जो मूर्तियां हैं वो चबूतरे से सेंट्रल डोम के तरफ चली जाएंगे। ये पाठ हुआ, लेकिन वो मूर्तियां इत्तेफाक से नहीं गईं, और क्योंकि वो मिरेकल वाकई में हुआ नहीं, राम जी चबूतरे से अपने आप नहीं गए मस्जिद के अंदर, तो उसको एक प्लान किया गया और उस प्लान में मस्जिद के ताले तोड़े गए और रात के अंधेरे में लॉ को वायलेट करते हुए मूर्तियां मस्जिद में 22 दिसंबर 23 दिसंबर की रात में रखी गईं। अब ये FIR है, अभी रामदास और उनके साथ जो लोग थे, ये FIR फाइल हो रही है, एक पुलिस कांस्टेबल कर रहा है, SO थाना अयोध्या फैजाबाद, और उसने कहा कि साहब अभय रामदास, राम शुक्ला दास और 50-60 लोग जो थे और कुछ अननोन लोग भी थे, ये माता प्रसाद है कांस्टेबल नंबर 7 जिसने ये FIR दर्ज की और उसे रिकॉर्ड पे लाया। अब उसने ये भी लिखा कि साहब वो सुबह 9 बजे पहुंचा वहां पे, तो पता चला कि साहब कुछ लोग मस्जिद में घुस गए हैं, ताला तोड़ लिया है उन्होंने, और लाउड स्पीकर पे सिटी में ऐलान भी हो रहा है कि साहब एक मिरेकल हुआ है और लोग बड़ी तादाद में पहुंचे, और RSS बाद में अपने माउथ पीस ऑर्गेनाइजर में भी ये लिखेगा कि साहब एक मिरेकल हुआ। तो ये जो किताब है अयोध्या द डार्क नाइट, इसमें धीरेन्द्र के झा जो को ऑथर हैं वो ज़रा डिटेल देते हैं कि ये इंदु शंकर झा जो अभिराम दास के कज़िन हैं, उनकी एविडेंस वो रिकॉर्ड करते हैं कि साहब कई सीक्रेट मीटिंग्स हुई अभिराम दास और के नायर में। ये नायर जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनका आगे और जिक्र आने वाला है, और उन्होंने ये कहा कि साहब ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। उनके दूसरे कज़िन जो हैं अवध किशोर, उन्होंने भी लिखा कि साहब हम जो हैं 5 बजे सुबह में जब पहुँचे तो हमने देखा कि बड़ी खामोशी है, लेकिन मस्जिद के अंदर से एक लैम्प से लाइट आ रही है। इसका मतलब ये देखिए कि उस दिन भी मस्जिद में या तो ईशा की नमाज़ हुई थी या फजर की नमाज़ हुई है, ये 5 बजे का जिक्र हो रहा है, या होने वाली थी। और फिर जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि अभिराम दास जो हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं और हाथ में रामलला की मूर्ति है, और उनके पास 3 साधु खड़े हुए हैं, और इंदु शंकर भी हैं वहाँ पे, और युगल बाबू भी हैं, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जिसकी रिपोर्ट्स मैं अभी बाद में बताऊंगा, वो है, और इसने सुना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कह रहा है अभिराम दास से जो मेन एक्यूज्ड है, महाराज डोंट मूव फ्रॉम हेयर, डोंट लीव रामलला अलोन, टेल एवरीबडी टू रेज द स्लोगन दैट राम लला इज हंग्री, ये वो रिकॉल कर रहा है। तो नैयर साहब बड़े कोऑपरेटिव हैं, उसने रिकॉर्ड किया, तो जो कुछ भी हुआ वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां मौजूद था, उसकी मौजूदगी में हुआ। दूसरी चीज ये कि FIR ने ये बात रिकॉर्ड नहीं की कि साहब वहां कोई रेसिस्टेंस नहीं हुई, वहां कुछ रेसिस्टेंस हुई, उसमें एक मोहम्मद इस्माइल साहब जो थे उनको चोटें आई, वो भाग के गए, बाद में 1980 में उनकी डेथ हो गई, किसी मस्जिद में अजान देते थे। 10:30 पे नैयर ने एक रेडियो मैसेज भेजा चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को कि कुछ हिंदूज जो हैं वो मस्जिद में घुस गए हैं और पुलिस का इंतज़ाम है और सब ठीक है यहाँ पे। अब मैं इसमें एक आध चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कह रही है कि भाई ये एक इलीगल एक्ट हो गया, मूर्तियाँ मस्जिद में आ गई, उनको अब तक क्यों नहीं हटाया जा रहा। और उसके जो जवाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यही नायर दे रहा है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। 26 दिसंबर 1949 को वो लेटर का रिस्पॉन्ड करता है और वो ये कहता है कि साहब कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी जिसमें ये मेंशन था कि कोई इस तरह का अटेम्प्ट होगा कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी जाएंगी। कुछ थोड़ा बहुत र्यूमर था कि साहब पूरन देशी में कुछ होगा, लेकिन ये बात उसके अपने ही स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर वो था जिसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक विटनेस है जो ख़ुद कह रहा है कि साहब CID के कुछ लोग मौजूद थे और वहाँ पे ये जिक्र हुआ कि ऐसा होगा। अब देखिए, गांधी जी का असैसिनेशन भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, गांधी जी के असैसिनेशन से पहले भी कुछ र्यूमर्स, कुछ रिपोर्ट्स आ गई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर एक्ट नहीं किया। तो ये अब एक पैटर्न बन जाएगा जिसे आप 92 में और ज़्यादा क्लियरली देखेंगे। तो ये अनीसुर रहमान है जिसने ये कहा कि साहब
मास्टर फ्रॉम महाराजा हाई स्कूल ने ये बात कही थी कि हिंदूज को आइडल मॉस्क के अंदर रख देनी चाहिए और मुसलमानों को फ्राइडे की प्रेयर से रोकना चाहिए, फ्राइडे 23 दिसंबर को आने वाला है उसी सुबह में। अब ये कहते हैं कि साहब इसने रिपोर्ट क्यों नहीं किया अनीसुर रहमान ने। अनीसुर रहमान ने यह कहा कि भाई सीआईडी अफसर वहां मौजूद थे, इसलिए मैं कैसे रिपोर्ट करता। अब नैयर साहब ने पूरा यह डिनाई कर दिया, लेकिन आप ये देखिए कि यह बात बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे नैयर का जो रोल है वो बहुत ही प्रिजुडिस रोल है। और नैयर के जिस तरीके से लेटर्स हैं जिसमें वो मॉस्क को एक डिजर्टेड ऑलमोस्ट अनयूज्ड कहता है और वो चबूतरे पे जो प्रेयर हो रही है उसको किसी तरीके से और बढ़ावा देने की हर तरीके से कोशिश करता है। अब नैयर साहब ये भी लिखते हैं कि अगर आइडल को रिमूव किया गया तो इससे ना मैं एग्री करता हूँ ना एसपी एग्री करते हैं और दोनों ने स्टेट गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको मानने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये काम करना है तो स्टेट गवर्नमेंट हमें ट्रांसफ़र कर दे। अब नैयर ने एक और लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को 27 दिसंबर 1949 में। इस लेटर में टू बी फेयर टू नैयर उसने खुद एडमिट किया और मैं कोट कर रहा हूं अब नैयर का स्टेटमेंट, द इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल इन मॉस्क हैज सर्टेनली बीन एन इलीगल एक्ट। नैयर ने अपनी इस लेटर में और आगे बढ़ के कहा लेकिन अगर हम कोई अटेम्प्ट करेंगे टू रिमूव आइडल्स इससे टेंशन बढ़ जाएगा। और यहां उसकी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कोट करता हूं, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू प्रोटेक्ट लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स इन ऑल प्लेसेस इफ द स्टॉर्म ब्रोक आउट। फिर बाद में वो और आगे कहता है कि भाई ऐसा हमें कोई आदमी नहीं मिला जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मूर्तियों को हटाने के लिए राजी हो। और उसने कहा साहब यहां तो नारे लग रहे हैं कि नैयर अन्याय करना छोड़ दो, नैयर भगवान का फाटक खोल दो, और इससे सब इन्फ्लुएंस वो बिल्कुल क्लियरली लग रहा है। और मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि नैयर साहब जो है बाद में जनसंघ के टिकट पे भी जो है लोकसभा के मेंबर बनेंगे। तो नैयर की अप्रोच जो है वो बिल्कुल उसी तरह की है जैसी हमारे श्री श्री रविशंकर की थी जो मीडिएटर थे, उन्होंने कहा कि अगर ये मस्जिद नहीं दी, मुसलमानों ने नहीं छोड़ी, तो इंडिया जो है वो सीरिया बन जाएगा। और मुझे अजीब ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मीडिएटर बनाया। मीडिएशन का मतलब है गिव एंड टेक, बट यहाँ कुछ गिव एंड टेक वाला नहीं होना था। अब नैयर का झूठ हाई कोर्ट में और खुला जब हाई कोर्ट में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृपाल सिंह का एक लेटर मिलता है नैयर को 29 नवंबर 1949 का। और इस लेटर में ये जो DYSP है ये कह रहा है कि साहब वहाँ पे तो बहुत बड़ा हवन कुंड बन गया है, कीर्तन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है और ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों की एंट्री डिफ़िकल्ट कर दी जाए और कुछ ऐसा काम कर दिया जाए कि मुसलमान खुद ही अबंडन कर दें। तो इसका मतलब भी ये है कि 29 नवंबर तक भी मुसलमान जा रहे थे और वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, और इससे नैयर का पूरा क्लेम जो है वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। अब 29 दिसंबर को ही तीन दिन के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर, मजिस्ट्रेट मार्कंडे सिंह ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली और उसको में रिसीवर अपॉइंट कर दिया प्रियादत्त राम को, जो म्यूनिसिपल बोर्ड के वहाँ के कुछ इंचार्ज थे, और उन्होंने चार्ज ले लिया 5 जनवरी 1950 को। ये जो अटैचमेंट है ये सेक्शन 145 है CRPC का 1898 का, और यही लॉ आज भी है। इसमें पुलिस रिपोर्ट पे अगर ब्रिच ऑफ पीस की कोई प्रॉब्लम होती है तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है। लेकिन इसमें दो प्रोविजंस बड़े इंपॉर्टेंट है इस लॉ में जिसको इस मजिस्ट्रेट ने इग्नोर किया और बाद में सिविल जज इग्नोर करेगा और हाई कोर्ट भी नहीं देखेगी। तो प्रोवाइजो 2 जो है ऑफ सेक्शन 145 क्लॉज 4 वो कहता है इफ इट अपियर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज विद इन 2 मंथ्स नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ सच ऑर्डर बीन फोर्सिबली एंड रॉन्गफुली डिस्पजेस्ड he may treat the party so dispossessed as if he had been in possession at such date. यहां कौन dispossessed हुआ था? Dispossessed हुई थी mosque के इंचार्ज वाले लोग, इसलिए ये 145 का भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ। और साहब उसने फिर एक perpetual injunction की request हुई गोपाल साहब से,
और उसको अप्रूव कर दिया गया और ये एक एक्सपार्टी ऑर्डर हो गया, नोटिस नहीं इशू हुए, कुछ एफिडेविट्स पर रिलाई किया गया, जिन्होंने एफिडेविट दिए थे उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया गया। और आप ये देखिए कि जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रही है मुंसिफ सदर के सामने, तो स्टेट गवर्नमेंट के दो पैराग्राफ में पढ़ना चाहता हूँ। पैरा 12 में उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो मस्जिद है, प्रॉपर्टी है, इसको बाबरी मस्जिद कहते हैं और ये एक लंबे ज़माने से मस्जिद की तरह इस्तेमाल होती रही और इसका पर्पज़ वर्शिप का था मुसलमानों का, और ये एज ए टेम्पल यूज नहीं होती थी एज ऑफ रामचंद्र जी। और पैरा 13 में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, ऑन द नाइट ऑफ 22 दिसंबर 1949 द आइडल्स ऑफ श्री रामचंद्र जी वर सरेप्टिसली एंड रॉन्गली पुट इनसाइड इट। द गवर्नमेंट आल्सो सेड दैट सूट ऑफ गोपाल सिंह इज बार्ड बाय लिमिटेशन एंड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ। 3 मार्च 1951 को सिविल जज फैजाबाद ने इस इंटरिम इंजंक्शन को कन्फर्म कर दिया और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि वहाँ पे जिस दिन ये सूट फाइल हुआ है उस दिन आइडल्स थी और हिंदूज वहाँ वर्शिप कर रहे हैं, इसलिए इसको चलने दिया जाए और मुसलमान जो हैं उनको कोई ख़ास इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है क्योंकि वो किसी और मस्जिद में नमाज़ पढ़ लें। अब ये अयोध्या है, इसके 4-5 किलोमीटर के अंदर सैकड़ों टेम्पल्स हैं, ये बात हिंदुओं के लिए क्यों नहीं कही जा सकती कि वो भी किसी और मंदिर में प्रेयर कर ले, या राम चबूतरा जहां वो प्रेयर कर रहे थे पहले वहां प्रेयर कर ले। फिर इसकी अपील हाईकोर्ट में जाती है, हाईकोर्ट उस ऑर्डर को कन्फर्म कर देती है 26 अप्रैल 1955 को और हाईकोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो लोअर कोर्ट थी उसने बहुत गलत किया एक्स पार्टी डिसाइड करके और लर्नेड जज ने लोअर कोर्ट के एरर किया, लेकिन हाई कोर्ट कहती है कि ये सब रिकॉर्ड वापस भेज दिया जाए और इस केस को डिसाइड किया जाए। तो इस तरह आपने देखा किस तरह एक मस्जिद मंदिर बना दी गई। अब मैं एक बात बस लास्ट में कहना चाहता हूँ कि उसमें ये ऑर्डर के साथ भोग लगाया जाए और पूजा हो और दर्शन हो ये सब होता रहे। जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते रहे गोविंद बल्लभ पंत को कि भाई ये अच्छी बात नहीं हो रही, इसके फ्यूचर में बहुत बुरे रिपरकशन होंगे, वो हमने देख लिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टीचर और स्टूडेंट की हैसियत से बड़ा हैरान और परेशान हूँ इसको देख के। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जा रहा है 26 नवंबर 1949 को, एक महीना नहीं हुआ अडॉप्ट किए हुए और अभी इन्फोर्स नहीं हो रहा है, इन्फोर्स हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज टू ओन एंड मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स, देयर राइट टू वर्शिप, उन सबको ताक पे रख दिया। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमने बुनियाद डाली है वो आज और बुरा हो गया, इसलिए कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।